ध्यान देने योग्य 57 जरूरी बातें। थोड़ा कीमती समय निकालकर जरूर सुने। नंबर एक, सुबह जागने के तुरंत बाद एक गिलास गर्म पानी में पीने से रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और स्किन ग्लोइंग भी रहती है। नंबर दो, चेहरा धोने के लिए दिन में एक बार चावल का पानी का इस्तेमाल जरूर करें, इससे चेहरे का रंग तेजी से निखरता है। नंबर तीन, यदि आप मांस सिर्फ प्रोटीन के लिए खाते हैं तो मूंग आपके लिए बेहतर सुझाव है, हो सकता है क्योंकि मूंग में मांस से ज़्यादा प्रोटीन होता है। नंबर चार, यदि आपका शरीर दुबला पतला है तो नारियल का सेवन जरूर करें, इससे शरीर आपका मोटा और ताकतवर बनता है। नंबर पाँच, सरसों के तेल में फिटकरी मिलाकर बालों पर लगाने से बाल मजबूत, घने और चमकदार होते हैं, साथ ही त्वचा पर लगाने से त्वचा का इन्फेक्शन भी बचा जा सकता है। नंबर छः, शरीर के में पानी की कमी होने से डार्क सर्कल होते हैं, इसलिए दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। ज़्यादा पानी पीने से शरीर में भी डिहाइड्रेट रहता है। नंबर सात, जिन घरों में चींटियाँ ज़्यादा आती हैं तो चींटियाँ आने वाली जगह पर थोड़ा सा कपड़े धोने का साबुन डाल दीजिए, चींटियाँ भाग जाएंगी। नंबर नौ, पके हुए अनार का रस गर्म करके बच्चों को पिलाने से बच्चों की उल्टी आना रुक जाती हैं। नंबर नौ, मूंग दाल का उत्तम आहार माना गया है जो पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है और पेट को ठंडक पैदा करता है, जिससे पाचन और पेट में गर्मी बढ़ने की समस्या नहीं होती है। नंबर 10, यदि आप रात को सोने से पहले चेहरा धोने की आदत डालते हैं तो इससे झुर्रियां, कील, मुहासे नहीं होते हैं और चेहरे पर निखार आता है। नंबर 11, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद मैदे का कम से कम प्रयोग करें क्योंकि यह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। नंबर 12, पेशाब में ज़्यादा पीलापन आने लगे तो नींबू वाला पानी पीना शुरू कर दें। नंबर 13, रोटियों के डिब्बे में लौंग रख देने से रोटियां मुलायम बनी रहती हैं। नंबर 14, यह चक्कर आने लगे तो समस्या हो तो गुड़ खाया करें, इससे एनर्जी मिलती है। नंबर 15, रात को सोने से पहले पैरों की मालिश करें, बीमारी जल्दी नहीं आती है और नींद भी अच्छी आती है। नंबर 16, देसी घी इस्तेमाल करने से आपका शरीर ताकतवर और मजबूत हो जाता है और जिस्म का दर्द भी दूर हो जाता है। नंबर 17, कमर दर्द की समस्या से परेशान है तो रोज़ाना दोपहर के समय थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर पानी के साथ में दर्द आराम मिलेगा। नंबर 18, यदि चक्कर आने की समस्या हो तो गुड़ खाया करें, इससे एनर्जी मिलती है। नंबर 19, तुलसी की पत्तियां का काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी और कफ में आराम मिलता है। नंबर 20, कमर दर्द की समस्या से परेशान है तो रोज़ाना दोपहर के समय थोड़ा सा काली मिर्च 20 ग्राम का पाउडर पानी के साथ लेने से दर्द में आराम मिलता है। नंबर 21, सूखा पुदीना शरीर पर रगड़ लेने से शरीर के दाग खत्म हो जाते हैं। नंबर 22, रोज़ाना सब्जियों का सूप बनाकर पिएं, इससे शरीर को बहुत फ़ायदा मिलता है। नंबर 23, गुर्दों की सफाई के लिए तरबूज में थोड़ा सा धनिया का रस मिलाकर पिएं। नंबर 24, चेहरे की झुर्रियों और झाइयों को दूर करने के लिए ताज़ा एलोवेरा का रस अपने चेहरे पर लगाएं और थोड़ी देर के बाद चेहरा धो लें। नंबर 25, अगर हाथों पर स्याही का दाग लग जाए तो नींबू का रस हाथों पर रगड़ने से दाग दूर हो जाते हैं। नंबर 26, जामुन का इस्तेमाल दांतों में होने वाली खराबी और मुंह में आने वाली बदबू को दूर करता है। नंबर 27, अगर आपका बच्चा मिट्टी खाता हो तो उसको केला और शहद मिलाकर देने से मिट्टी खाना छोड़ देगा। नंबर 28, चेहरे पर चकुंदर का छिलका लगाने से चेहरे की झाइयां खत्म हो जाती हैं। नंबर 29, काले अंगूर पेट की सफाई के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। नंबर 30, हरी मिर्च का सेवन करने से सांस की बीमारी होने का खतरा कम होता है। नंबर 31, जो सुबह खाली पेट खीरे का सेवन करते हैं वह बहुत कम बीमार पड़ते हैं। नंबर 32, यदि कपड़ों पर जंग का निशान लग गया हो तो नींबू को रगड़ने से दाग चला जाएगा। नंबर 33, गुलाब की पत्तियों को चबाने से दांत चमकदार हो जाते हैं। नंबर 34, अगर कोई बड़ी बीमारी लग जाए तो जितना हो सके रोटियां कम खाओ और ताज़ा फल ज़्यादा खाओ। नंबर 35, सरसों के तेल में
नाक में डालने से खरांटों का बेहतरीन इलाज है। नंबर 36, अगर कोई बड़ी बीमारी लग जाए तो आप मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हरी मिर्च और काली मिर्च को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। यह आपको पतला करने में आपकी मदद कर सकता है। नंबर 37, कभी भी रोटियों को तवे से उतारकर खाने की प्लेट में सीधा न डालें, इससे परिवार के सदस्य बीमार बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 38, बहुत देर तक एक ही जगह पर बैठकर काम करने से आपका दिमाग कमजोर होता है। नंबर 39, गैस की तकलीफ में तुरंत राहत पाने के लिए लहसुन की 2 कली छानकर 2 चम्मच शुद्ध घी के साथ चबाने से चबाकर खाएं, फौरन आराम होगा। नंबर 40, अगर खाना बनाते वक्त जुबान दांतों के नीचे आ जाए तो फौरन कोई मीठी चीज़ खा लेने से आराम मिल जाएगा। नंबर 41, जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं उनका दिमाग तेज होता है। नंबर 42, जो सुबह खाली पेट खीरे का सेवन करते हैं वह बहुत कम बीमार पड़ते हैं। नंबर 43, सोने से पहले सौंफ का सेवन करने से आंखों की रोशनी तेज होती है, इसके लिए 1 चम्मच सौंफ के साथ 2 बादाम खाएं और कुछ ही दिनों में अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। नंबर 44, अदरक वाला पानी पीने से शरीर में जमा हुआ खून चलने लगता है। नंबर 46, अगर बादाम खाते वक्त मुंह में कोई कड़वा बादाम आ जाए तो उसे नहीं खाना चाहिए, यह हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा नहीं होता है। नंबर 47, नींबू का पानी कंघी पर लगाकर बाल फेरने से बालों में चमकदार और मुलायम हो जाते हैं। नंबर 48, ज़्यादा बीज वाली सब्जियां और फल खाने से पीते में पथरी हो जाती है। नंबर 50, सुबह देर से उठने से दिमाग की नसें कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर आलसी बन जाता है। नंबर 50, जो महिलाएं अपनी पीठ सीधी करके बैठती हैं उन्हें कभी भी कमर दर्द नहीं होता है और ना ही रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है। नंबर 51, अगर आपको चक्कर आने लगे तो एक छोटी इलायची का पानी के साथ सेवन करें। नंबर 52, अगर आपके पैरों में दर्द रहता है तो सरसों हल्का गर्म तेल पर पैरों की मालिश करें, दर्द में राहत मिलेगा। नंबर 53, रोजाना रात को कच्चा दूध चेहरे पर लगाकर सोने से चेहरे पर इतनी चमक आती है कि कभी भी कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 54, संतरे के छिलके को फेंकने की जगह अगर आप इन्हें सुखाकर जलाते हैं तो मच्छर भाग जाते हैं। नंबर 55, चावल हमेशा कम खाओ, दमे की बीमारी नहीं होगी। नंबर 56, मैदे की बनी हुई चीज़ें कम से कम खाएं क्योंकि यह हमारे पेट में जम जाता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 57, अगर किसी भी को निमोनिया हो गया हो तो तारपीन के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर बीमार की छाती पर और पलसियों पर मलने से रोगी को पूरा आराम मिलता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य प्रक्रिया के लिए, किसी भी बीमारी या पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर यह नियम अपनाएं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही मैं बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।